नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूं और कामना करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, घर से बाहर बेवजह नहीं निकल रहे होंगे। जी हां, हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जो कि उत्तर प्रदेश के खिड़िया खुर्द गांव का बताया जा रहा है और वह है निकला भी वहीं का वो वीडियो। एक पुरुष है जो अपनी पत्नी को बहरहमी से पीट रहा है। गलती मानने उस महिला के बाल पकड़ के उसको जो है पैरों से दबा करके थप्पड़ी थप्पड़ उसके गाल पर जो है बजा रहा है और दूध मुहा बच्चा सामने ही जो है सामने ही बिलक बिलक के रो रहा है। जब ये वीडियो जो है पूरा वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया तो ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश में जो खिड़िया खुर्द गांव है वहाँ के अधिकारियों तक जब ये वीडियो पहुँचा तो अधिकारियों ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया और आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप ये वीडियो भी देखिए। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा जी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। इस तरह का मामला क्या कार्रवाई? ये टप्पल क्षेत्र में जट्टारी चौकी में खेड़िया खुर्द गांव पड़ता है, वहाँ की वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक आदमी जो है तथाकथित बताया जा रहा है कि उसकी वाइफ है जिसको मार रहा था बाल पकड़ के और बच्चा दिखाई दे रहा था। उसमें हमने उस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर गई और उस आदमी को पकड़ लिया गया। उसके खिलाफ सुसंगित धाराओं में जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और उसको खिलाफ 151 की कार्रवाई भी कर दी गई। कौन है जिसको पीट रहे हो? वो उसकी वाइफ है जो बताया जा रहा है। वीडियो का संज्ञान लेने के बाद ही कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार कर लिया? हाँ, आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। ने देखा कि जिस तरीके से आप सोचते हैं कि कुछ आप गलती करेंगे या आप कुछ गुनाह करेंगे तो आप पकड़े नहीं जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं ये डिजिटल ज़माना है, ठीक है। अगर आप लोग कुछ गलत भी कर रहे हैं ना तो पब्लिक इतनी जागरूक हो गई है ना कि आपको छोड़ेगी नहीं। किसी के भी साथ अगर अत्याचार होता है तो अब ये पब्लिक छोड़ेगी नहीं और उसकी सज़ा उसे दिलवा कर ही रहेगी। जिसने भी गलत कार्य किया है उसकी सज़ा उसको दिलवा कर ही रहेगी। इंडिया की जो पब्लिक है ना जागरूक हो चुकी है, अब जो भी अत्याचार करते हैं ना वो सबक सीख जाएं, वो सुन लें और ध्यान से सुन लें। जो भी ये अत्याचार करते हैं ना अब ये ध्यान से सुन लें कि हाँ वो लोग अत्याचार करेंगे और वो बच जाएंगे। अब ये जो मोबाइल व्हाट्सएप ये जो चल गए हैं ना, आप कहीं ना कहीं से पकड़े जरूर जाएंगे, तो आप लोग बच नहीं सकते ना कानून से ना ईश्वर से। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें।